আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে।
निशाने बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बंगाल के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहां पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है। ममता दीदी भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। यानी जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। और देश के हित में, बंगाल के हित में आवश्यक है इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागिरी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर, बंगाल के उन महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आपने इस भव्य रोड शो के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रत्युष मंडल को अपना समर्थन और सहयोग देने का जो संकल्प दोहराया है, इसके लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं। আপনারা দেখছেন NPS News, সবার সাথে সবার মাঝে।